नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। कैल्शियम की कमी होना आज आम बात हो गई है। बड़े हों या बुजुर्ग, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां मतलब रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। खासकर उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुष और महिलाओं में कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां कॉमन हो गई हैं। जानकार मानते हैं कि कैल्शियम का निर्माण सूरज की रोशनी में शरीर खुद ही करता है, लेकिन आज की बदलती जीवन शैली में चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे, सभी इंडोर एक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं, या कहें कि इंडोर एक्टिविटी ही उनकी मजबूरी बन गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इसके साथ ही हेल्थ और लाइफ स्टाइल के इस सेगमेंट में हम यह भी जानेंगे कि कैल्शियम की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। आजकल विटामिन D3 या कैल्शियम की कमी बहुत ही कॉमन बीमारियों में आ गई है। ऑर्थोपेडिक्स में या किसी भी ब्रांच में या मेडिसिन में लोग डॉक्टर को दिखाते हैं और काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम लोग मरीज का जांच कराते हैं। जांच कराने में ये देखा गया है कि आमतौर पे 80% लोगों में विटामिन D3 की कमी आती है। विटामिन D3 की कमी के लक्षण क्या होते हैं ये बताना बहुत क्लियर कट नहीं है। फिर भी लक्षण में उम्र के हिसाब से ये इन सब सारे चीजों पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का उम्र कितना है। बच्चा है तो उसमें उनके जो लक्षण अलग होंगे, और अगर बड़े हैं तो उनमें लक्षण अलग होंगे, ओल्ड एज में अलग होंगे। अगर बच्चे हैं तो उसमें विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी से हम लोगों ने देखा है कि बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें रिकेट्स में उनके बोन्स टेढ़े हो जाते हैं, रिस्ट टेढ़ी हो जाती है, पैर टेढ़ा हो जाता है। कभी वो पैर अंदर की ओर होता है, कभी वो पैर बाहर की ओर होता है, और उनका ग्रोथ थोड़ा सा डिलेड होता है, स्टंटेड होता है। उसी तरह से अगर उम्र में आगे बढ़े तो देखें एडल्ट लोगों में, तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया होता है। पेशेंट बहुत आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मुझे जनरलाइज पेन है, तो हम लोग विटामिन D3 टेस्ट कराते हैं, देखते हैं वो काफी कम है। उसी तरह से अधिक उम्र के लोगों में ये पाया गया है। लक्षण जोड़ों में दर्द होना, शरीर में बैक पेन होना, और खास तौर पे फटीग होना, जल्दी थक जाना, ये सब विटामिन D3 के कमी के लक्षण होते हैं। अगर देखा जाए रोकथाम या उपचार की बात की जाए, तो रोकथाम के लिए जो पहले इसमें कारण देखना पड़ेगा कि होता क्यों है ये। तो इसका मुख्य कारण ये है कि आजकल जो इंडोर एक्टिविटी हो गई है वो काफी बढ़ गई है, और आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे ऑफिस गोअर्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे एल्डरली पॉपुलेशन हो, उसमें जो अभी नया हमारे यहाँ, हम जो दिल्ली NCR में जो लोग रह रहे हैं, जो उसमें वो नया एक प्रॉब्लम आया हुआ है जो डस्ट का या एयर क्वालिटी इंडेक्स का, जो पॉल्यूशन का, उसकी वजह से, और पहले से भी एक्सपोजर बाहर पहले से भी लिमिटेड था, अब और लिमिटेड हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि विटामिन D3 का प्रॉपर एक्सपोजर हो नहीं रहा है, जिसका मेन सोर्स सनलाइट है, अब वो सनलाइट प्रॉपर मिल नहीं रहा है, जिससे विटामिन D3 की कमी काफी लोगों में पाई जा रही है। हम लोगों को इंकरेज करना पड़ेगा लोगों को कि सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग 10-15 मिनट मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर प्रॉपर होना चाहिए। अगर बहुत लोगों को ये डेली संभव नहीं हो सकता है, तो जब भी उनको छुट्टी मिले, सपोज कर लिए रविवार के दिन, या जब भी उनकी छुट्टी है, तो उस समय मौका निकाल के सनलाइट एक्सपोजर लें, और डाइट पे विशेष ध्यान दें। चाहे जैसे वो मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, दही है, पनीर है, कुछ कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको लेने से विटामिन D3 की कमी दूर हो सकती है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, अगर पेशेंट को परेशानी हो ही गई है, D3 काफी कम है, वैसी स्थिति में हम लोग ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में विटामिन D3 के और कैल्शियम के कैप्सूल, सैचे, सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में। उसका एक प्रॉपर डोज होता है, वो किसी डॉक्टर के सुपरविजन में लेना ज्यादा उचित होगा। जैसे विटामिन D3 है, उसके सैचे आते हैं, वो रेगुलर लेना चाहिए। उसी तरह से कैल्शियम होता है, उसे लेना चाहिए, और एक 6 महीने या 1 साल के इंटरवल पे प्रॉपर उसका चेकअप होना चाहिए। इससे विटामिन D3 की कमी को रोकथाम और ट्रीटमेंट दोनों में काफी आसानी होगी, और जो आम जनता है जिनको ये पता है ये सारी प्रॉब्लम है, अगर उनको इसके बारे में जानकारी है, तो थोड़ी सी जानकारी से, जो मैंने पहले बताया कि मॉर्निंग सनलाइट,
डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ाना, और अगर ज्यादा कमी है तो डॉक्टर के सुपरविजन में कैल्शियम और विटामिन डी3 का उचित मात्रा में सेवन करने से काफी चीजें आसान हो जाएंगी।